स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल तेजी विधान में, और स्वागत है आपका मेरे चैनल। तो आज हम एक आपको टॉपिक, आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोकेमोन ऐसे अपने पुराने पोकेमोन को क्यों यूज़ नहीं करता है। तो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये मेरे सेल्फ में थ्योरी है। कोई सब स्पैम कर देते हैं कमेंट में कि गलत थ्योरी। ये मेरी हिसाब से थ्योरी है, इसलिए मेरी ही चलेगी। इधर आपको ये थ्योरी पसंद नहीं आई तो आप इस थ्योरी को स्किप भी कर सकते हैं। पर प्लीज़, आपको अगर डेली वीडियोस, आई थिंक डेली तो नहीं, पोकेमोन गेम्स और पोकेमोन की थ्योरी की वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने वीडियो में जाते हैं। तो मैं पहली बात तो कह देता हूँ कि मैं एक नेपाली हूँ, फिर भी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स कभी कभी होंगे हिंदी और नहीं उन्हें नहीं समझ आता है नेपाली, इसलिए मैं हिंदी में ही रिकॉर्ड करता हूँ। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी वो नए रीजन में जाता है तो अपने पुराने पोकेमोन को भूल जाता है, भूल तो नहीं प्रोफेसर वो के पास छोड़ जाता है और नए रीजन में नए नए पोकेमोन पकड़ने जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये मेरी सेल्फ मेड थ्योरी है, ध्यान से सुनना। जब भी वो नए रीजन में जाता है तो उसे कुछ एक्साइटमेंट होती है कि नए नए पोकेमोन के साथ दोस्ती करना, वही पोकेमोन के साथ दोस्ती नहीं करना, दोस्ती कर चुका है पर उसे नए नए पोकेमोन के साथ दोस्ती करना है, उन्हें उसे नए नए पोकेमोन के साथ फैमिलियर भी होना है, उसे नए नए पोकेमोन के साथ उसे ही दोस्ती करना है जैसे उसने पुराने पोकेमोन के साथ किया है, और वो धीरे धीरे करके सभी पोकेमोन को अपना दोस्त बनाना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो यूज़ नहीं करता क्योंकि उसको और भी ज़्यादा दोस्त बनाने होते हैं। माना कि उसने 80 ही पोकेमोन पकड़े पर वो दिल का कितना अच्छा है, वो कभी भी अपने पोकेमोन को ऐसे अबैंडन नहीं छोड़ सकता है। तो ये मेरी एक छोटी सी थ्योरी है कि क्यों एस नए रीजन में जाके अपने पोकेमोन अपने पुराने पोकेमोन यूज़ नहीं करता। कैसे लगा मेरा छोटी सी थ्योरी गाइस? होप यू गाइस एंजॉय। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना।